रेट तो भाई हर चीज़ के इतने हाई फाई हो रहे हैं, होते हैं फ्रूट का रेट देखे तो वो इतने आसमान पे चढ़े हुए हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो तो चलो अपनी जगह बिल्कुल ऐसा बस जाएगा। कोई भी चीज़ ना सब्ज़ी सही आ रही है ना फ्रूट सही आ रहे हैं, कुदरत पैदा कर रही है, लेकिन जो ये इंसानों ने बीच में उसमें पंगे लेना शुरू कर दिए ना, लेकिन हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसमें मैंने एक आयत पढ़ी थी, ला फलकन तब्दीला, फ्रूट पैदा हो रहे हैं उसमें केमिकल, साल में एक दफ़ा उगती है वो जब दिल चाहता है, मतलब कोई चीज़ ऑर्गेनिक रही नहीं है। क्रॉस करना जिसे कहते हैं, सख्ती से कुरान में अल्लाह ने मना किया हुआ है, बस तरक्की की और पैसों की पड़ी है बस। ये जो भी हो रहा है फ़िलहाल बहुत गलत हो रहा है, फिर जब मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं इसी वजह से आती हैं तो ज़ाहिर है फिर नेचर छोड़ेगी तो नहीं। दीन के मामले पे यहाँ पे पूछते बाद में बंदे को पहले मार मोर के साइड में करते हैं, उसके जिन्हें हम काफिर और नॉन मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें लगा रहे हैं, फिर यही जो बीमारियों की शक्ल में फिर हमारे सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से बिग पार्ट मज़े में होंगे। तो चलें आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो भाई दूध पी लेते हैं सबसे पहले, तो नाश्ता तो नहीं, बस दूध पी लेते हैं, नाश्ता तो बाद में होगा, गर्म कर लिया था मैंने। तो कल भाई मुझे शरीफे मिल गए थे, ये थोड़े से डब्बे लाने में, चीकू लाया था कल, सेब अमरूद और ऑरेंज वगैरह। तो चले जल्दी से इसको खाते हैं, नहाते हैं, फिर रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। तो भाई कल मैं मार्केट गया, कुछ ग्रोसरी लेनी थी, कुछ फ्रूट लेने थे, रेट तो भाई हर चीज़ के इतने हाई फाई हो रहे हैं, दिन ब दिन ऐसे बढ़ रहे हैं कि बस पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जिस दिन भी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो हर दिन उसके रेट बढ़े हुए होते हैं, हर दिन हर चीज़ के रेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अब कल गया मैं लेने के लिए, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के रेट कम भी होते हैं, तो लेकिन जो जिन चीज़ों के रेट कम होते हैं वो बहुत कम ही चीज़ें होती हैं, गिनती की एक दो चीज़ें ही होती हैं, वरना हर चीज़ के रेट बढ़े होते हैं। फ्रूट का रेट देखे तो वो इतने आसमान पर चढ़े हुए हैं, अनार जो सही वाले थे 300 रुपये किलो चल रहे हैं, और जो उससे मतलब वो ऐसे थे कि बस बंदा ना ले तो ज़्यादा अच्छे, वो 200 रुपये किलो, तो मैंने तो फिलहाल नहीं लिया, ऐसे लेने से बेहतर था कि ले ही ना पता। सेब पुराने सेब नरम पड़ रहे थे अजीब से, 120 रुपये किलो, मतलब हर चीज़ के रेट ऐसे हाई फाई जा रहे हैं मार्केट में कि बस क्या बोला जाए बंदा। मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेता, जो लोअर क्लास है वो उनका क्या हाल हो रहा होगा, वो कैसे अपना दो वक्त की रोटी तो दूर की बात है, एक वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है आजकल। चीज़ें महंगी हो रही हैं वो तो चलो अपनी जगह हो रही है महंगी, लेकिन ऊपर से चीज़ें सही नहीं आ रही। सेब कल लेकर आया, अभी मैंने खाया, बिल्कुल ऐसा बस जाएगा सेब था कि बस और खा के मुँह ख़राब हो गया। चीकू लाया था, चीकू खाया, वो भी बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं, अजीब, कहीं से पका हुआ था कहीं से कच्चा था, अजीब ही, मतलब बस वो चीज़ें, फ्रूट भी मतलब बिल्कुल कुछ सही आई नहीं थी कोई चीज़। कोई भी चीज़ ना सब्ज़ी सही आ रही है ना फ्रूट सही आ रहे हैं, कुदरत की चीज़ें हैं, हालांकि देखा जाए तो कुदरती चीज़ें इंसान कहे कि भाई ये तो कुदरत पैदा कर रही है, ठीक है कुदरत पैदा कर रही है, नेचर का सारा काम है, नेचर पैदा कर रही चीज़ें, लेकिन जो ये इंसानों ने बीच में उसमें पंगे लेना शुरू कर दिए ना, लेकिन हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे ख्याल से तो अब शायद ही कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कुदरत की नेचर की बनाई हुई और वो असल 100% असल फॉर्म में मौजूद हो, हर चीज़ में इंसान ने पंगे लेके बेड़ा गर्क कर दिया चीज़ों का। तो मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ता रहता हूँ, कुरान को काफ़ी स्टडी, काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी फिलहाल मैंने स्टडी किया है, तो उसमें मैंने एक आयत पढ़ी थी, ला फलकन तब्दीला, अल्लाह ने कहा है कि ला नहीं फलकन मेरी खल्क में तब्दीला, मेरी खल्क में तब्दीली ना करो। लेकिन यहाँ आजकल इंसान देखो फ्रूट पैदा हो रहे हैं उसमें केमिकल और पता नहीं क्या क्या मसले, आर्टिफिशियल खादे ये वो कर लगा के केमिकल चीज़ें पैदा करने बेड़ा गर्क कर दिया। जो फसल साल में एक दफ़ा उगती है, फल फ्रूट या फसल जो भी साल में एक दफ़ा उगती है, वो जब दिल चाहता है महीने में 15 दिन में, महीने दो महीने में, 6 महीने में खड़ी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है आजकल के इंसान के लिए। हर चीज़ में पंगे किए हुए हैं, सब्ज़ियाँ हैं तो उसमें पंगे किए हुए हैं, खाद है ये वो पता नहीं, चाइना के बीज तो ये बीज वो बीज मॉडिफाइड, हर चीज़ मतलब कोई चीज़ ऑर्गेनिक रही नहीं है। फल फ्रूट या सब्ज़ियों के जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, बेलें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनमें तब्दीलियाँ की हुई हैं, उसमें वो पैवनकारी से कहते हैं, क्रॉस करना जिसे कहते हैं, सख्ती से कुरान में अल्लाह ने मना किया हुआ है ये सब काम ना करो, मेरी खल्क में तब्दीली नहीं करो, चेंजेस नहीं करो। लेकिन आजकल हर किसी को बस तरक्की की और पैसों की पड़ी है, बस उसके पीछे भागा दौड़ी कर रहा है।
किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। हर दिन नई चीज़ आई है और बस उससे कोई मतलब नहीं है कि वो नुकसानदेह है फ़ायदेमंद है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस सब लगे हुए अपने आगे बढ़ने में और अपने अंधाधुन बस आँखें बंद करके लगे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये जो भी हो रहा है फ़िलहाल बहुत गलत हो रहा है, हम इस देखा जाए तो बिल्कुल कुरान और अल्लाह के अगेंस्ट जाके हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं ऐसे मतलब कि जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो मैं हूँ या कोई भी हो, सभी कहीं ना कहीं गलत किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो जब मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं इसी वजह से आती हैं, ज़ाहिर है जब कोई चीज़ असल हालत में रहेगी नहीं, हर चीज़ में लोगों ने तब्दीली की थी, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब अल्लाह से नेचर से पंगे लेगा बंदा तो ज़ाहिर है फिर नेचर छोड़ेगी तो नहीं। यहाँ तो एक छोटी सी पर्सनल चीज़ है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आजकल मोबाइल आप लोगों को पता ही है हर किसी की ज़रूरत और पर्सनल है, मतलब इतना पर्सनल बन गया कि उसके लिए बंदा पता नहीं क्या क्या कर जाता है कि उसमें, मतलब बहुत से पर्सनल चीज़ें डेटा सब कुछ ही होता है, कोई अगर किसी का मोबाइल बगैर पूछे बगैर परमिशन के उठा के यूज़ कर ले तो लोग काटने खाने के लिए मरने के लिए वो हो जाते हैं कि मेरी पर्सनल चीज़ें उठा के फिर कैसे यूज़ कर ली। वो तो फिर कुदरत है, नेचर है, वो इंसान जो है उससे बगैर पूछे उसकी चीज़ों में पंगे कर रहा है, पूरी मतलब चीज़ों को बदल रहा है ऊपर से नीचे तक, तो वो कुदरत है, तो वो नेचर वो ज़ाहिर इंसान को छोड़ेगी बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से क्या 100% हर चीज़ का वक्त आता है, बस अब ये समझ लें कि जब भी चीज़ें बिगड़नी है कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर बिगड़ेगी जब चीज़, तो कहीं ना कहीं तो उसका एंड होगा, और फिर वो जब बिगड़ेगी, कोई भी चीज़ बिगड़ती है ख़राब होती है तो ज़ाहिर है उसका एंड फिर सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता फिलहाल। तो बस हमें क्या कहना चाहिए, मैं तो फिलहाल बात ही कर सकता हूँ, बोल ही सकता हूँ। अब ये टॉपिक ऐसा है, दीन का टॉपिक ज़ाहिर है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता, मतलब जाने को मैं जा सकता हूँ लेकिन पब्लिकली नहीं जा सकता, वरना आप लोगों को पता ही है ज़रा से दीन के मामले पे यहाँ पे पूछते बाद में, कंफर्म बाद में करते हैं, वेरीफाई बाद में करते हैं, बंदे को पहले मार मोर के साइड में करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा मसला था, हमें तो पता ही नहीं था, वरना हम ऐसा करते ही नहीं, इसको मारते नहीं है नहीं। तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से मामलात हैं, अब दीन के हवाले से फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, वरना कहने को बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें जो कुरान में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ से मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं बहुत कोई आलिम फाजिल या बहुत बन गया, बड़ा कुछ बन गया हूँ, मतलब जितना भी देखा मैंने सुना समझा पढ़ा है तो उस हिसाब से जो दुनिया में आजकल जो चल रहा है वो बहुत बहुत क्या 100% तकरीबन सब चीज़ें गलत चल रही हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो इस बात से मेरी एग्री नहीं करेंगे कि 100% सब चीज़ें कुरान और कुदरत से अल्लाह से अगेंस्ट चल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमने इतने साल इतने बरसों से एक चीज़ इस्तेमाल करते यूज़ करते हुए आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो हमें गलत चीज़ भी गलत नहीं लगती, तो बस इसलिए शायद कोई इसको एग्री ना करे बल्कि और अगेंस्ट मेरे बोले, हो सकता है कि कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी आए, खैर फिलहाल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो कुरान में मैंने देखा है अभी तक जितना देखा सुना समझा, उस हिसाब से आजकल दुनिया जो है बिल्कुल उससे उलट चली है, स्पेशली मुस्लिम्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम तो फिर भी हर चीज़ को देख के समझ के हर चीज़ की स्टडी करके हर चीज़ को देख समझ के उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर यही मैं बाहर जाऊँ, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके भाई हैं चाइना में, आई थिंक चाइना में हैं, और भी मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि बाहर के जो लोग हैं जिन्हें हम काफिर और नॉन मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहते हैं, वो इन चीज़ों से बचते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें लगा रहे हैं अपने ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक बाग लगा रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल प्योर जो 100% नेचर पे चीज़ें होती हैं वो उगा रहे हैं और वो खा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को तो देखो गंदे गटर के पानी में फसलें लग रही हैं, फल लग रहे हैं, और यहाँ का अगर बोलो तो ये गटर का पानी ये होता, बोलते इससे जो फसल है सबसे अच्छी होती है वही गटर का पानी, अब देखने में तो गटर का पानी नहीं लेकिन जो फल फ्रूट के अंदर जो उसके अंदर जो विटामिन जो उसकी क्या कहना चाहिए कि मिनरल्स और जो भी चीज़ें उसकी जानी है उस फल फ्रूट के अंदर वो जा तो उसी गंदे पानी के से ही रही है ना, ये तो नहीं कि वो गंदा पानी बस जाता है और ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर सब्जी या फ्रूट जो भी है उसके अंदर उसकी कोई क्या कहना चाहिए कि विटामिन या जो भी होते हैं उसके वो उसके अंदर नहीं होते, तो ज़ाहिर है उसका जो भी है खा रहे हैं। अब कोई अगर हम बॉडी कोई भी गलत चीज़ खाते हैं तो बॉडी पे उसका असर होता है ना, ये तो नहीं कि भाई खाया और ख़त्म हो गया तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, इसी तरह ज़ाहिर है अगर गंदे पानी की सब्ज़ी या फल फ्रूट होगा तो
तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो यही जो बीमारियों की शक्ल में फिर हमारे सामने आता है, जो मसनूई जो आर्टिफिशियल खाद और केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ फल फ्रूटों पे सब्जियों पे होता है, हम खाते हों ज़ाहिर है फिर वही बीमारियों की शक्ल में हमसे फिर बाहर निकल रहा होता है, सामने आ रहा होता है। लेकिन कोई इस चीज़ को कोई नहीं समझता, कोई नहीं करता। फिलहाल मैं तो भाई अब मैं खुद भी और घर वालों पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ हर चीज़ पर, खाने पीने पर। तकरीबन आई थिंक ये 5-6 साल हो गए जब से मुझे चीज़ों का पता चला है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करने लगा हूँ। चिकन बाहर की चीज़ें ये वो बहुत कम कर दिए, खाना पीना हर चीज़ बस जितना खाना है जितनी ज़रूरत है। तो चले फिलहाल ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, पूरे दिन भी बात करता रहूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। किसी को अगर इंटरेस्ट है किसी इस तरह की बातों में और वो कोई डिस्कस करना चाहता तो कमेंट करके बताए, तो फिर हम इस पर फिर किए अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर इस पर डिस्कस करेंगे आराम से। तो अगर हकीकत जानना चाहते हैं, हकीकत को समझना चाहते हैं, तो नहीं तो ज़िंदगी गुजरी ही है, पता नहीं कितने लोग आए गुजरी चले गए सब हो गए, लेकिन अल्लाह के सामने नेचर के सामने क्या है हम क्या लेके जाएंगे वो फ़िलहाल अभी हम उस चीज़ से बिल्कुल भी नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। आई होप के किसी को शायद कुछ समझ में आ गया हो।